अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर आलम। आज एक और नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर तो आफियत से होंगे, और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि जो नई अपडेट्स आएंगे, नए व्लॉग्स आएंगे, आप लोगों को ईज़िली पता चल सके। तो आज मुझे तो छुट्टी है, लेकिन कॉलेज मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हमारे सीनियर्स हैं उनका फ़ोटोशूट होना है, और जिनकी डिग्री जून में हो रही है उनका आज फ़ोटोशूट है। तो उनकी मुझे कॉल आई थी कि मैं भी उनके साथ चलूं, तो इस वजह से मैं रेडी हुआ हूँ अभी। तो बस उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो आते हैं फिर कॉलेज जाना है। चलो अभी वो नीचे आ गए तो मैं निकलने लगा हूँ, फिर नीचे उनसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम संगे नहीं आप? अच्छा, तो अभी बैठे हैं, जा रहे हैं कॉलेज की तरफ, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे कॉलेज। कॉलेज तो सीनियर्स मेरे सारे आ गए, अभी शुरू करने लगे, उनकी फ़ोटोशूट थोड़ी बहुत हो गई है, तो बाकी अभी बाकी है कुछ। तो मेरे साथ मेरे सीनियर्स बैठे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ आज उन लोगों का फ़ोटोशूट है और उन लोगों का 5 साल एक्सपीरियंस यहाँ बिश्केक का कैसा रहा। तो क्योंकि जो लोग हमें पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो लोग MBBS करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो मेरे साथ है मेरा फेवरेट भाई वकार। कैसे वकार भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो आज इनका फोटोशूट, आपका फोटोशूट हो रहा है, आज क्या फील कर रहे हैं? यार हम बहुत खुशी फील कर रहे हैं, सही है। बस ये है कि बंदे नहीं आए अभी तक, हम वेट कर रहे हैं कि सारे ग्रुप पर आ जाए, फिर इंडिविजुअली फोटो हो गई है। तो एक जो अच्छा ये बताया आप लोग, आपका 5 साल यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा बिश्केक का MBBS का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिश्केक, हमने बहुत अच्छा टाइम गुजरा, सही है, और बहुत अच्छी लाइफ गुजरी इधर। हमारे दोस्त इधर के लोग बहुत कोऑपरेटिव है, सही है। हमारे लिए, हम जूनियर्स के लिए और जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं MBBS करने के लिए, उनके लिए कोई मैसेज? मैसेज ये है कि पाकिस्तान में अगर जो लोग इधर आना चाहते हैं आ जाए, बिल्कुल। इधर की यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है, फीस क्लासेस भी बहुत अच्छी है, फ़ीस भी इनके कम है, और इधर का वेदर अच्छा है, और बाकी लोग इधर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू। और अभी मेरे साथ है डॉक्टर जिशान सर। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? सर कैसा फील कर रहे हैं आज? हाँ, अच्छा फील कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट ईयर? एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। आप तो ये तो मैं आपको बता था, चलो माशाल्लाह ग्रुप लीडर भी हैं, और जो ग्रुप लीडर यहाँ का होता है उसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर आप अपना बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं साथ, क्योंकि आपने सारा ग्रुप को लेकर चलना होता था 5 साल, बहुत मुश्किल काम है, आपने कैसे किया ये? हाँ अच्छा था, साथ में ग्रुप वाले कोऑपरेटिव थे, तो इस वजह से इतना बर्डन फील नहीं हुआ। और सर मुस्तकबिल का क्या इरादा है, क्या करने का सोच रहे? मुस्तकबिल में फिल वक्त तो पाकिस्तान जाएंगे, PMDC की तैयारी, फिर PMDC का एग्जाम देंगे। चलो सर, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू सो मच। और अभी मेरे साथ है जो मेरा कज़न भी है, गिलगित बल्तिस्तान से, हम दोनों गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं। सो वन एंड ओनली सनी, मैं क्योंकि अपनी ज़ुबान में इससे बात नहीं करूँगा, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, सो आई विल प्रेफर टू टॉक विथ उर्दू, इन उर्दू सॉरी, यार इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, समझा करो। हैं अच्छा भाई कैसे हो? ठीक ठाक, आप बताओ जनाब। शुक्र अल्लाह का। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, खुश है। आप हमें छोड़ के जा रहे हैं?
नहीं आपको लेके जाते हैं ना, पैक कर लेते हैं, बाद में आप आ जाना वापस। नहीं अच्छा ये बताओ कि 5 साल एक्सपीरियंस कैसा रहा बिस्किक का? मुझे तो पता ही आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लोगों को बता दो कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा यार, 5 साल कैसे गुजरे पता नहीं चला, आंखें बंद करके खोल दो 5 साल गुजर गए। बाकी जगह अच्छी है, सस्ती है, रहने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, वेदर अच्छा है, सब कंडीशन अवेलेबल है। अच्छा ये तो बता दो, जो लोग हमारे पाकिस्तान से आना चाहते हैं और स्पेशली जो गिलगित से आना चाहते हैं उनके लिए हमारे गिलगिती में कोई पैगाम, जो आना चाहते हैं गिलगित में, गिलगित से, जो गिलगित से आना चाहते हैं, हाँ गिलगिती में कोई पैगाम? हाँ शिना में रे सारे कोकोस वोग्रक थानत एवा और काफ़ी मिश डिशिन और मिश पढ़ाई हिन यूनिवर्सिटी सस्ता हिन हर जगह सुट फैसिलिटी आइन अवेलेबल हिन कैसे पाकिस्तान में जाए अपॉर्चुनिटी न लीज हिन और आइन वे तो अपॉर्चुनिटी अवेल थोक बानत और मशुट पढ़ोक बानत। सर थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अभी मेरे साथ है लीस्ट बट नॉट लीस्ट द वन एंड ओनली फवाद भाई। फवाद भाई कैसे? ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल? फवाद भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है। हाँ अभी तो डिग्री, इनकी डिग्री होने लगी है, जून में इनकी डिग्री है, तो अभी आज फोटोशूट है इनका तो। और ये फवाद भाई जोन से वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट अपनी बैच के, और माशाल्लाह बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, क्योंकि मैं इनके साथ रह चुका हूँ तो मैंने देखा हुआ कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो सर आप पाकिस्तान कहाँ से हैं? मैं स्वात से हूँ, पाकिस्तान में। स्वात से, क्योंकि हमारे कॉलेज में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैकवर्ड एरिया से, जैसे मैं गिलगित से हूँ, फवाद भाई ये स्वात से हैं, और कुछ मतलब मेन के लोग नहीं हैं, बैकवर्ड साइड से ज़्यादा आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। सर ये बताए 5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत काफ़ी अप्स एंड डाउन, बहुत सारी टाइम देखे, मुख्तलिफ किस्म के वक्त देखे, बिश्किक ने बहुत कुछ सिखाया, अच्छा भी सिखाया बुरा भी सिखाया, बहरहाल ओवरऑल ये कहते हैं कि बहुत अच्छा वक्त यहाँ गुजरा हमारा। तो अच्छा आप ना अपने पुश्त में कोई पैगाम दे जो लोग आना चाहते हैं पाकिस्तान से, जो पख्तून एरिया से जो आना चाहते हैं उनके लिए अपने पश्त में कोई पैगाम? पश्तों में बस यही पैगाम है मलगरो, चे कोशिश करो पाकिस्तान के एडमिशन बनाशी अखदाजे हम डेर ज़बरदस्त है, अफोर्डेबल ले, वेदर लिहाज बानिम खाते खलकुम कोऑपरेटिव दे, स्टडी माशाल्लाह डेर रखा था, वो बहर हाल PMDC मुताबिक स्टडी डेर ज़बरदस्त था। और PMDC के लिए रेडी? PMDC के लिए बस 50-50 है। सर बेस्ट ऑफ लक। तो अभी फ़ोटो शूट हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यार। अभी मेरे साथ है मेरा को ग्रुप लीडर और साथ में मेरा भाई मोनम, ये भी मेरा ग्रुप मेट ही है, ग्रुप मेट ही है। सो आज ये लोग भी आए, इनसे पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है आज बताओ, सीनियर जा रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? हमारे साथ हमारे सीनियर हैं, उनके साथ हम लोग फ़ोटो शूट भी आए हैं, बाकी सब लोग और भी काफ़ी हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ रहे हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी हमारे इंडियंस भाई, उन सबके साथ यहाँ पे फ़ोटो शूट करने आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। सब आज बहुत रंग बिरंगे लग रहे हैं, कलरफुल उन्होंने सब ड्रेसेस पहनी हुई हैं। हाँ यार बहुत इतने प्यारे इंडियन लग रहे हैं, आ है सुभान अल्लाह। नहीं नहीं वो बाद में जब फोटोज हम देखेंगे ना DSLR में तब मज़ा आएगा। हाँ है क्या बात है। अच्छा तो अभी बहुत थक गए थे, कुछ खाने बैठे हैं, खाने के लिए आए हैं, अभी ऑर्डर दिया है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो खाना खाएँगे फिर आखिरी ग्रुप फोटो होना है इनका, उसके बाद फिर वापस जाएँगे घर। अच्छा तो बस अब हो गया फ़ोटो सेशन सारा, अब जा रहे हैं वापस घर,
تو امید کرتا ہوں آج کا ولوگ آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا, اور پلیز آخر میں پھر میں آپ کو بتاؤں میرا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں, کیونکہ جو میرے نئے ولاگس ہوں گے آئیں گے پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس صفائی رکھیے, اور پھر انشاءاللہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.